बोर्ड लगा है सूचना आरक्षित भवन क्षेत्र, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। आगे हम यहाँ पे सोनवा मंडप दिखाते हैं आपको, ये नोटिस है आगे। हाँ, सोनवा मंडप की तरफ हम लोग चल रहे हैं, सोनवा मंडप की तरफ चल रहे हैं, जो कि रास्ता हम लोग को वहाँ तक ले जाएगा, सोनवा मंडी मंडप की तरफ। ये गेट है, मंडप पे आ गए हैं। तो ये क्या है, मंडप बनाया गया पृथ्वीराज चौहान अपनी लड़की के लिए, बनवाए थे शादी के लिए, आज तक शादी कभी हो नहीं पाई। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था अपनी लड़की के लिए, लड़की के लिए इसमें शादी के लिए, आज तक कभी शादी हो नहीं पाया इसमें, और जो कि बहुत देखने वो अदरवाइज कोई भी आप कोई भी किसी का शादी करेंगे। मंडप है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरी पत्थर की बनाई गई मंडप है, जो कि पृथ्वीराज चौहान ने अपनी लड़की के लिए बनाया था। तो ये जो देख रहे हैं सोना मंडप, इसमें जो कि जो छोटे छोटे पत्थर देख रहे हैं, इसमें सोने हीरे जवाहरात से जड़े हुए थे। ये अंग्रेज हमारे लूट कर लेकर चले गए, अंग्रेज ये लूट कर लेकर चले गए, खत्म हो गया। अब हम अंदर की तरफ, अंदर जो कि काफी अंधेरा है। ये देखिए सोना मंडप का मेन जगह है, जो काफी अंदर आए हुए हैं, जो कि आपको ऊपर दिखाना चाहेंगे। बहुत ही अद्भुत चीज बनाया गया है पत्थर द्वारा, ये जो कि काफ़ी अच्छी नकाशी, इसको अभी कुछ दिन पहले रिपेयर करने के लिए अमृता से लोग आए हुए थे, तो इस तरह रिपेयर दिख रहा है। और यहाँ पे सोनवा मंडप का जो था ये मेन मंडप था, और इसके दरवाजे देखिए करीबन 5-6 दरवाजे हैं, जो कि आज तक कभी भी यहाँ पर शादी जो है हो नहीं पाई, इसलिए आज तक यहाँ पर किसी की भी शादी हुई नहीं है। देखिए काफ़ी अच्छा जगह है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रास्ते हैं, इसलिए यहाँ पे शादी होने से पहले कुछ ऐसा हुआ था कि वो रास्ते से निकल गए, वो पानी वाले रास्ते से चले गए। आज तक भी किसी का भी शादी यहाँ पे हुआ नहीं सोनवा मंडप में, शादी हो नहीं पाया सोनवा मंडप में, जो कि आपको हमने अंदर से दिखाया। बाहर से कुछ दिखाना चाहेंगे, जो कि पृथ्वीराज चौहान ने अपनी लड़की के लिए बनवाया था सोनवा मंडप, इसको इस नाम से जानते हैं। यहाँ पे काफी राजा लोग यहाँ पे राज कर चुके हैं, जैसे सिकंदर हुआ, बाबर हुआ, हुमायूं, जो कि बहुत लोग ये राज कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए बद्रीनाथ का जो है मंदिर है, आप उसे भी देख सकते हैं, बद्रीनाथ का जो कि काफी अच्छा मंदिर है। ये क्या है सामने वाला, ये जेल पहले का जेल है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ मकान जैसे बने हैं, गेट लगा हुआ है, क्या है भैया जी? ये जानते हैं जेल पहले का, ये जेल है, ये जेल हुआ करता था, जो भी यहाँ पे मुजरिम हुआ करते थे सब इसी में बंद हुआ करते थे, और उसके बाद जो भी सजा सुनाया जाता था उसके बाद वहाँ पर फांसी का देख के आए होंगे, तो वहीं पर ले जाकर फांसी लगा के पानी में फेंक दिया जाता था। हमने जो आपको दिखाया फांसी घर, यहाँ जेल में लोग बंद रहते थे, जिनकी सजा होती थी वो छूटते थे, नहीं होती थी उसको फांसी घर पे ले जाया जाता था, वहीं फांसी पे चढ़ा दिया जाता था। ये जैसे बना हुआ है, पैक किया गया है, इसके अंदर कुछ है जो देख रहे हैं ना, ये काफी बड़ा हुआ, इसको पैक कर दिया गया है, ये काफी सालों से पैक है, ये आपको ये रास्ता दिल्ली तक ये रास्ता ये चला जाता है, बाकी इसको बंद कर दिया गया कि बच्चे या फिर कोई ऐसा कोई ना जाए, क्योंकि काफी दिल्ली तक आपको ले जाने वाला है, यानी को राज तक ले जाने वाला सुरंग है, जो कि पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ के इतिहासकारों की माने तो ये सुरंग आपको काफी राज्यों तक ले जा सकती है, जो कि बंद हो चुका है, जो कि ये लोग जो राज करते थे तो वो लोग अपने लिए यूज किया करते थे पहले के राजा महाराजा लोग। हाँ, क्योंकि वही लोग वहाँ पे यूज करते थे, काफी मददगार होता था, जगह वगैरह रखते थे वो, कि किस तरफ से हम कहाँ चले जाएंगे। गोपनीय गुफा था जो हमने आपको दिखाया, अब हम आपको ले चलेंगे थोड़ा दूसरे साइड पे, एक वो देख सकते हैं आप, वो जो कि काफी अच्छा है, वहाँ पे हमेशा जो रानी हुआ करती थी वहाँ पे वो अपना बाल सुखाया करती थी। रानी का बाल सुखाने का सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि मंदिर जैसा बना हुआ है, वहाँ पर रानी बैठ के अपना बाल सुखाती थी। पर्यटक लोग आए हैं घूमने के लिए, आप देख रहे होंगे सब यहाँ खेला, करीबन डेली पर्यटकन 150-150-200 स्कूली बच्चे वगैरह हमेशा आते जाते रहते हैं, क्योंकि हर स्कूल से वो होता रहता है कि आप चलिए किले चुनार किला घूम लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी जितने भी किले हैं सबसे बड़ा किला ये चुनार का किला है, जो मायावी किला एक दिन में बना है, मायावी किला, रश्मि किला, त्रिश्मी किला, जो कि चुनार किला माना जाता है, और यहाँ की माने तो काफी अद्भुत किला है। यहाँ पे काफी दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए, और आप भी आइए देखिए। हम इस समय सोनवा मंडप से गुजर रहे हैं, किसी दूसरी तरफ आपको ले जाएंगे, बहुत ही बड़ा किला है और काफी टाइम लग रहा है हमें घूमने में। ये सामने क्या बनाया गया, ये सब है गुफे के लिए है सब, ये सब काल कोठरी है, ये जो पहले काल कोठरी हुआ करते थे, जो कि काला पानी का सजा जैसे होता है, तम काल कोठरी बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल ब्लैक, काला पानी का जो सजा होता था तो यहीं से डाला जाता था। आप देख रहे हैं जो पूरा ब्लॉक कर दिया गया है, यहाँ से रास्ता है जो आपको अंदर तक ले जाएगा, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसमें
यहाँ पे छोटे छोटे बनाए गए हैं, पिजड़ा है, इसमें लॉक है, तो हम इनसे पूछेंगे मतलब ये क्या है। ये जानते हैं काल कोठरी हुआ करता था तो इतने खूनखार कैदी हुआ करते थे कि उनको बाहर नहीं निकाला जा सकता, इसलिए इसी में खाना इनको खाना ढील दिया जाता था कि ये खाना खा लें और उसी में रहें। हमने आपको जो दिखाया वो सामने काल कोठरी का रास्ता, जो कि यहाँ से लोग ले जाते थे खूनखार मुजरिमों को बंद कर देते थे, और यहाँ पे जो छोटे छोटे बनाए गए हैं ऐसा यहाँ से खाना उनको दिया जाता था ताकि वो लोग उत्पात मचा ना सके, बाहर आ ना सके, क्योंकि काल कोठरी की सजा यही होती थी। मंडप से बाहर आ गए हैं, जो कि आपको यहाँ से बाहर दिखाई देने जा रहे हैं, जो कि गंगा जी बगल में ही है। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, हम यहाँ देख पाएंगे कि किला के बाहर जो है कि बाहर आए हैं, जो कि आपको सामने गंगा जी दिखाई दे रही होंगी। गंगा जी किले का पूरा बाहरी इलाका, यहाँ किले का पूरा बाहरी इलाका है, जो सामान आता था जाता था सब कुछ स्पोर्ट्स टाइप का सब यहीं से होता था, लेन देन यहीं सब करना होता था इन लोगों को। ये मेन रास्ता था, ये फांसी घर जाने का ये मेन रास्ता था, फांसी घर जाने का मेन रास्ता था, जो कि आपको अंदर तक ले गए थे। वो रास्ता मेन था ऐसे आने का जाने का, ऐसे ही सीधे वो फांसी घर जाता था सीधे। पहले ये बहुत क्लीन था, बहुत साफ था, ये पूरा ब्लॉक कर दिया गया है, ब्लॉक हो गया, पहले घास और सब जम गया, देखिए कितना अच्छा नहीं लग रहा है। कट कर दीजिए। हाय फ्रेंड्स, ये देखिए अभी तक इन लोगों ने आपको किला दिखाया, इस भैया ने, जो कि काफ़ी अच्छा किला है। और अगर से आप लोगों को इनकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये काफ़ी आगे जाएं, इनके लिए गॉड इज प्लेस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।